Today topic is cyclotrons. Important for board exams. ये टॉपिक बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आता है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है पहले तो समझो। तुम्हें याद है बच्चों, अगर चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते थे तो उसका पाथ कौन सा होता था? सर्कुलर। जब ये सर्कुलर पाथ इसका होता था तो इस सर्कुलर पाथ का हमने रेडियस कैलकुलेट किया था, कितना था? हाँ जी बच्चों, रेडियस क्या था? एम वी बाय क्यू वी। टाइम पीरियड क्या था देखना जरा, कितना टाइम ये लेता था? 2 पाई एम बाय क्यू वी। अब बच्चों इसके अंदर आप ये देखो, टाइम पीरियड के अंदर 2 पाई एम अपॉन क्यू वी, मास भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो टाइम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब हमने फिक्स टाइम के लिए क्या करना है बच्चों, आप ध्यान से समझना। इसके अंदर हम क्या करते हैं साइक्लोट्रॉन के अंदर, थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान से समझना। ये अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है, टाइम पीरियड कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि एम अपॉन क्यू बी भी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तुम अब ये रेडियस का फॉर्मूला देखो, आर इज इक्वल टू एम बी बाय क्यू बी है। पहले कंसेप्ट समझ लो साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है। आर इज इक्वल टू एम बाय एम बी बाय क्यू बी। ये एम बी बाय क्यू बी क्या है? ये फैक्टर क्या है? कांस्टेंट। अगर ये फैक्टर कांस्टेंट है तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? बी। यानी कहने का मतलब जितना सर्कुलर पाथ का रेडियस बड़ा होगा उतना चार्ज पार्टिकल की स्पीड भी ज्यादा होगी। बात समझो, जितना बड़ा रेडियस उतनी स्पीड से ज्यादा घूमेगा। ठीक है, ये आर वन रेडियस वी वन, ये आर टू ये वी टू। रेडियस आर टू किससे बड़ा है? आर वन से, तो वी टू भी किससे बड़ी होगी? वी वन से। कहने का मतलब एक चार्ज पार्टिकल को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं, अगर वो हमारे पास उसका रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर है और 10 की स्पीड से चल रहा है, अगर हमने रेडियस कर दिया 10 तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्लियर? स्पीड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब क्या करना है चार्ज पार्टिकल ने, जितने टाइम में यहां पर छोटे सर्कल पर चक्कर लगा रहा है उतने टाइम में बड़े सर्कल पर चक्कर लगाएगा। यानी कहने का मतलब टाइम को सेम रखने के लिए चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है। साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पर काम करता है? साइक्लोट्रॉन के अंदर चार्ज पार्टिकल का जितना बड़ा सर्कल का रेडियस होता जाएगा उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी, टू मेक कॉन्स्टेंट टाइम। टाइम सेम रखने के लिए जितना सर्कल का रेडियस बढ़ेगा उतनी स्पीड भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन किस लिए यूज किया जाता है बच्चों? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन है जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने के काम आता है। चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने का मतलब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आती है मशीन। अब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कैसे किया जाता है? जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो उसका रेडियस इंक्रीज किया जाता है। रेडियस बढ़ने से उसकी स्पीड भी क्या होती है? बढ़ती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया साइक्लोट्रॉन का सभी को? साइक्लोट्रॉन क्या होता है तो इसके बारे में लिखेंगे अब थ्योरेटिकली। जो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया साइक्लोट्रॉन काम कैसे करता है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन होती है जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाने के काम आती है। चार्ज पार्टिकल की अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। रेडियस बढ़ाने से उसकी स्पीड बढ़ती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। राइट डाउन बच्चों, क्योंकि हमने बोर्ड का एग्जाम भी देना है 12th वाले बच्चों ने, तो मैं आपको इसके बारे में लिखवा रहा हूँ। बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं। साइक्लोट्रॉन, सबसे पहले इट इज अ डिवाइस,
इट इज अ डिवाइस बाय विच पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही क्यों होते हैं बाद में बताऊंगा, इसको अंडरलाइन कर लेना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स ड्यूट्रॉन्स एटसेट्रा कैन बी एक्सेलरेटेड। इन चार्ज पार्टिकल को क्या किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है। प्रिंसिपल क्या होता है इसका साइक्लोट्रॉन का, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड बाय मेकिंग इट to cross the same electric field rapidly with the help of magnetic field. With the help of magnetic field. एक मिनट बच्चों आया मैं। हाँ जी बच्चों, साइक्लोट्रॉन हमने स्टार्ट किया है, 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आती है, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को स्पीड अप करने के काम आती है। इसके अंदर क्या किया जाता है वो थोड़ा सा आपको डायग्राम से क्लियर होगा। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड बाय मेकिंग इट टू क्रॉस द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रैपिडली विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार घुमाया जाता है। जब इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार घुमाया जाता है तो इसका रेडियस बढ़ता है। आपको बताया रेडियस बढ़ने से क्या होता है, रेडियस इंक्रीज होने से क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन। आगे लिखो बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन, राइट डाउन कंस्ट्रक्शन। ये 5 मार्क का आपको पेपर में पक्का आना है, इसलिए मैं आपको इसका थ्योरेटिकल सारा पार्ट लिखवा रहा हूं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, साइक्लोट्रॉन के अंदर 2 मेटल डीज होती है, एक पहली डी, एक ये बच्चों दूसरी डी, ये 2 डीज होती है मेटल डीज। इन डीज के अंदर, ये मेटल डीज है अंदर से खाली है, इन डीज के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखा जाता है क्यू। अब इन डीज को बच्चों हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं ऐसे, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने इसको दे दी
अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब ये है बच्चों, इसके अंदर जो हमने इसको वोल्टेज दी है, इसकी पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होने का मतलब ये है समझो, पहले अगर ये मेटल प्लेट नेगेटिवली चार्ज है तो ये वाली पॉजिटिवली चार्ज है, कुछ देर बाद ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, फिर ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, फिर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बच्चों दोबारा फिर समझो आपको क्या कह रहे हैं, ये जो दो मेटल डीज हैं इनके बीच में एक चार्ज पार्टिकल रखा जाता है क्यू, इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया जाता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट करने से इसका मतलब क्या है, पहले अगर डी टू की पोलैरिटी नेगेटिव है तो डी वन पॉजिटिव होता है। अब बच्चों इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये डी टू नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? यस बच्चों, ये किसकी तरफ जाएगा? डी टू प्लेट की तरफ जाएगा। इधर को जब ये डी टू प्लेट की तरफ जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही एंटर करेगा वो सर्कुलर पाथ कवर करेगा ऐसे, फिर ये बाहर आ जाएगा। अब बच्चों इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो गया तो ये किस तरफ अट्रैक्ट होगा? डी डी वन की तरफ अट्रैक्ट होगा, फिर ये सर्कुलर पाथ कवर करेगा और ये गैप में आ जाएगा। ठीक, इतने में फिर पोलैरिटी चेंज होगी, ये वाली जो पोलैरिटी है बच्चों वो होगी हमारे पास नेगेटिव, ये होगी नेगेटिव और ये होगी पॉजिटिव, मतलब ये फिक्स टाइम के बाद पोलैरिटी चेंज होती रहती है मेटल्स की। अब ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो सर्कुलर पाथ कवर करेगा, बाहर आ जाएगा, फिर इतने में पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये फिर सर्कुलर पाथ कवर करके ऐसे गैप में आएगा। आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ का रेडियस बढ़ रहा है, सर्कुलर पाथ का तुम्हें पता है अगर बच्चों रेडियस इंक्रीज होता है तो उससे क्या होती है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, यही तो इसका प्रिंसिपल है। तो यही चीज हमने करना है, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से चार्ज पार्टिकल को कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा रहे हैं तो इसका रेडियस क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिससे स्पीड बढ़ती है। फाइनली यहां पर ना हम एक विंडो लगा लेते हैं बच्चों, फाइनली हम यहाँ पर एक विंडो लगा लेते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने एक विंडो लगा ली, इस विंडो से बाहर करके चार्ज पार्टिकल को जिस टारगेट से हिट करना होता है उससे हिट किया जाता है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन, 5 मार्क का आर्टिकल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लिख लो बच्चों कंस्ट्रक्शन भी। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सिलेंड्रिकल बॉक्सेस डी वन एंड डी टू कॉल्ड डीज इनक्लोज्ड इन एन एवोक्वेटेड चैम्बर। The chamber is kept between the poles of a powerful magnet so that uniform magnetic field acts perpendicular to the plane of the D's. An alternating voltage is applied
इन द गैप बिटवीन द टू डीज बाय यूजिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड द डीज। यहां तक लिख लो बच्चों। यहां तक लिख लो जल्दी से। आगे लिखो बच्चों थ्योरी। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, इसका मतलब ये है इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हमने इसकी जो की है इसको स्विच ऑन किया। द पॉजिटिव charged particle placed at gap between these will accelerate towards D at negative potential. Negative potential D2. Here is a perpendicular magnetic field will make, जो मैंने आपको समझाया वही लिखवा रहा हूं, will make charge particle move in a सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ सर्टेन रेडियस आर। बच्चों अगर ये सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा, कुछ रेडियस इस सर्कुलर पाथ का होगा, तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगती है, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है बच्चों, तो उस पर फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी होती है, F इज इक्वल टू क्यू वी इनटू पी, फोर्स होती है अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो। अब बच्चों ये फोर्स किस में यूज होगी, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाने में यूज होगी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्यू वी बी। तो वी कितना आ गया बच्चों, क्यू बी आर बाय एम, और आर क्या आ गया, ये तो आपने किया ही है, आर तो हमने रेडियस तो निकाल ही लिया वैसे भी पहले, एम वी बाय क्यू बी, ये स्पीड है चार्ज पार्टिकल की, ये रेडियस है। अब जब टाइम ये एक सेमी सर्कुलर चक्कर लगाने के बाद गैप में आता है तो क्या होता है बताएगा कोई, जैसे ये सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है डी के अंदर और गैप में आता है तो फिर क्या होता है, ये पोलैरिटी चेंज हो जाती है डी की और ये डी वन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज होगी इधर अट्रैक्ट हो गया बच्चों, फिर सेमी सर्कुलर पाथ फिर गैप। तो लिखो यस बच्चों, अगेन इट एंटर्स इन अ गैप
एंड पोलैरिटी ऑफ द डीज गेट चेंज्ड, इट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डी डी वन एंड कवर्स सेमी सर्कुलर पाथ ठीक अगेन सेमी सर्कुलर पाथ दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द चार्ज पार्टिकल स्पीड बिकम्स मैक्सिमम यस बच्चों टाइम पीरियड आधे चक्कर के लिए टाइम पीरियड कितना होगा यस आधे चक्कर के लिए टाइम पीरियड कितना होगा और पूरे के लिए तो कल कैलकुलेट कर दिया था पूरे चक्कर के लिए ये आधा है फिर ये आधा ये पूरा चक्कर हो गया टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट सर्कुलर पाथ कितना होता है 2πr हमने कैलकुलेट किया था बच्चों बाय वी होता है वी की वैल्यू पुट कर लो क्यू बी आर बाय एम 2πm बाय क्यू ये टाइम पीरियड ये हमने कल कर ही लिया था बच्चों बच्चों इसके बाद लिखो रेजोनेंस कंडीशन इसके अंदर रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है समझो बच्चों रेजोनेंस कंडीशन का मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने के बाद जैसे ही गैप में पहुंचता है वैसे ही उसी वक्त पोलैरिटी चेंज होती है ये नहीं है कि पोलैरिटी पहले चेंज हो जाए चार्ज पार्टिकल अभी गैप में नहीं पहुंचा जैसे ही चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने के बाद गैप में पहुंचा साथ ही साथ पोलैरिटी क्या हो जाएगी चेंज और ये इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा फिर दोबारा गैप में पहुंचा साथ ही साथ पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगी यानी कहने का मतलब पोलैरिटी चेंज होने का टाइम और चार्ज पार्टिकल के गैप में पहुंचने का टाइम जब सेम हो उसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन लिखो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है राइट डाउन रेजोनेंस कंडीशन द टाइम पीरियड of a charged particle and oscillating electric field must be the same. This is called resonance condition. इसको बोलते हैं बच्चे नाम देते हैं रेजोनेंस कंडीशन दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन एक फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर रहे ना फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम पीरियड होती है क्यू बी बाय टू एफ आई एम ये फ्रीक्वेंसी भी नोट करिए आगे लिखो बच्चों इसके बाद रेजोनेंस कंडीशन के बाद आगे लिखो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना था बच्चों कितना था
यू बी आर बाई एम का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, हाँ जी बच्चों ये कितना बन गया, ये कितना आ गया, हाफ एम क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कट गया, हाफ टू एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कैनेटिक एनर्जी आ गई। जब रेडियस मैक्सिमम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब जब रेडियस भी क्या हो गया मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी भी चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम। इसके बाद लिखो बच्चों शॉर्टकमिंग्स, इसकी शॉर्टकमिंग्स लिखो, इसको रब कर रहा हूं मैं, write down shortcomings. मैं ना आपको दो आर्टिकल पूरे लिखवाऊंगा, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक ये साइक्लोट्रॉन, क्योंकि दोनों पांच पांच नंबर के आते हैं इसलिए दोनों ही मैं आपको पूरे लिखवाऊंगा। शॉर्टकमिंग्स लिखो, सबसे पहला यूज्ड टू एक्सेलरेट हैवी चार्ज्ड पार्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। कहते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए चार्ज पार्टिकल को यूज नहीं किया जाता, क्यों, समझो समझो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन के अंदर एक्सेलरेट करने के लिए यूज नहीं किया जाता, हैवी चार्ज पार्टिकल को ही यूज किया जाता है। प्रोटॉन हैवी चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन लाइटर चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम यूज नहीं करते चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने के लिए। क्यों नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कम होने से, जैसे ही हम जिसका मास कम होता है हल्का सा धक्का मारेंगे बहुत दूर भागेगा ना, तो वो क्विकली आउट ऑफ स्टेप हो जाता है, वो स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाता। जैसे ये डीज होती है ना, जैसे एक हल्का सा धक्का मारा ये बहुत दूर भाग जाएगा, तो मतलब पोलैरिटी चेंज होने से पहले ही भाग जाएगा। यानी कहने का मतलब पोलैरिटी चेंज होने, आप ये कहने का मतलब ये है, इसको हल्की सी काइनेटिक एनर्जी देने से, हल्की सी इसको हम फोर्स लगाने से बहुत स्पीड हो जाती है इंक्रीज, जो कि इस प्रोसेस के अंदर फिट नहीं बैठ सकता, कहने का मतलब। तो लिखो बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं हम यूज करते, क्योंकि टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्मॉल अमाउंट, to increase kinetic energy of electron by small amount, its velocity must be increases by large amount. अगर थोड़ी सी kinetic energy बनानी है तो हमें इसकी जो speed है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। Then इलेक्ट्रॉन विल नॉट अराइव एट द गैप बिटवीन द डीज एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम एज frequency of oscillator have been frequency of oscillator have a fixed time
does resonance condition is disturbed and electron lost in cyclotron. इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन के अंदर कहीं घूम जाएगा. दूसरा लिखो बच्चों, दूसरा लिखो दूसरा क्या है, सेकंड लिखो बच्चों. जो ये साइक्लोट्रॉन है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल की स्पीड हम किसी एक लिमिटेड टाइम तक ही बढ़ा सकते हैं. ऐसे नहीं है आप जितनी मर्जी स्पीड बढ़ाते जाओ, चार्ज पार्टिकल की स्पीड को लाइट की स्पीड से भी ज्यादा कर दो, ऐसा नहीं है. चार्ज पार्टिकल की स्पीड को हम मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, लाइट की स्पीड से इसको ज्यादा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि m is equal to m naught upon root 1 minus b square upon c square है. ये वाला फॉर्मूला है. ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड होता है? जब चार्ज पार्टिकल लाइट की स्पीड से चलता है. जब चार्ज पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट हो गई तो बच्चों ये देखना b c के बराबर हो गया, ये जीरो बन गया, समथिंग अपॉन जीरो इंफिनिटी, मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. लिखो बच्चों, इसके अंदर लिखो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हैवी चार्ज पार्टिकल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हैवी चार्ज पार्टिकल कैन ओनली बी इंक्रीज अप टू अ सर्टन एक्सटेंट. काइनेटिक एनर्जी कुछ हद तक ही बढ़ा सकते हैं. एज काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस इट्स मास ऑल्सो इंक्रीजेस According to the relation जो हमने लिखा ऊपर, ये वाला relation लिखो. Thus, time taken to cover सेमी सर्कुलर पाथ इंक्रीज, इट विल नॉट, मास बढ़ गया ना तो इसको गैप में आने के लिए टाइम लगेगा. इट विल नॉट अराइज एट द गैप बिटवीन द डीज एट द राइट टाइम. तो ये सही टाइम पर गैप में नहीं आ पाएगा. एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर have been fixed. Thus, resonance condition is disturbed and particle lost in the cyclotron. समय लग गया बच्चों? दो limitation करवाई है. लास्ट लिख लो यूज, साइक्लोट्रॉन का यूज कहां किया जाता है?
फटाफट लिखो, पेपर में इसमें कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट ये लिखवाया। अगले लेक्चर के अंदर हम थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल वाला लेक्चर रहेगा नेक्स्ट हमारा, क्यूरी रही है, अगले में सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड इन हॉस्पिटल टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड फॉर ट्रीटमेंट purposes. That's it. ये बच्चों हमारा साइक्लोट्रॉन कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, साइक्लोट्रॉन के भी और मास स्पेक्ट्रोमीटर के भी न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ।